गाजा में हमास के समर्थन में कूदे हिजबुल्ला और इसराइल के बीच एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि वे फिलहाल तनाव कम कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से कई ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि उससे लगता है कि तनाव कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। दरअसल इजरायली सैनिकों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रात भर सैन्य अभियान चलाया। इजरायल ने इस अभियान में फिलिस्तीनी लड़ाकों को निशाना बनाया। इस सैन्य अभियान में अब तक कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि मारे गए सभी 9 लोग आतंकी थे। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने कहा कि अभी भी अभियान जारी है। इजरायल ने हमास के हमलों के बाद से उसके समूह में शामिल होने के शक में वेस्ट बैंक से हजारों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है और इस इलाके में अब तक 580 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। आपको बता दें कि इजरायल ने जिस वेस्ट बैंक इलाके में घातक अभियान को अंजाम दिया, वहां इजरायली सैन्य शासन के तहत लगभग 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इजरायल के इस तरह के अभियान से उस इलाके के फिलिस्तीनी नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली सेना जेनिन और तुलकरम पर ध्यान दे रही है, जो फिलिस्तीनी शहर है और आतंकियों का गढ़ बन गए हैं। जेनिन के फिलिस्तीनी गवर्नर कमाल अबू अल रब ने कहा कि इजरायली हमले भयंकर थे। शहर में बीच बीच में गोलियों और विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थी। शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया और अस्पतालों के गेट घेर लिए गए। उन्होंने कहा कि लोग आतंक और चिंता में जी रहे हैं। इसराइल ने यह सैन्य अभियान तब शुरू किया जब अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ईरान वेस्ट बैंक में हथियारों की भारी खेप पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान इसराइल से अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिसाब चुकता करने में लगा है।